में भी अव्यक्त भाव में स्थित रहकर मैं अपने आप को तैयार करती हूं शांति। संपन्ना सिस्टर मुरली शुरू कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ जी दीदी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, आज की मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1970। 1970 की ये पहली मुरली है। आज से हम 1970 की मुरलियां शुरू कर रहे हैं और आज की डेट है 17 अक्टूबर 2022। मुरली का टाइटल है संपूर्ण व्हील करने से व्हील पावर की प्राप्ति। आज की मुरली में बाबा ने कुछ चार्ट चेकिंग की बातें की हैं, कुछ याद करने की बातें की हैं और प्रैक्टिकल जीवन में पेपर कैसे आएंगे, कैसे उसको क्या समझना है, उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है, मेन तो विल पावर की। फिर समर्पण के लिए कौन सी बात बाबा ने कही है, झटकू होने की बात कही है तो, और संपूर्णता की परख क्या होती है, तो वो सभी बातों में सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। तो ये बहुत मनन चिंतन की बात है कि कोई बात आती है तो उसकी रीत कौन सी है, किस रीति से वो मेरे पास आई है, किस रूप से आई है, माया का रूप है या ईश्वरीय रूप धारण करके आई है, ये हम सब समझे। और वो हो सकता है सिर्फ योग के आधार से, संपूर्ण व्हील करने की व्हील पावर के आधार से हो सकता है। और अपने कर्म बंधन की रस्सियों को काटना बाबा कहता है ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये बाबा ने बात कही है। तो इस मुरली को हम थोड़ा सा ऐसा भी समझने की कोशिश करें जैसे स्वमान के आधार से भी हम इसको ले लें और कुछ कीवर्ड्स भी हम ले लें। जैसे स्वमान हो सकता है मैं संपूर्णता का सितारा हूं, मैं विचित्र के साथ चित्र को याद करने वाली चरित्रवान आत्मा हूं। फिर अव्यक्त शब्द बाबा ने कहाँ कहाँ यूज किया है वहां पर भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अव्यक्त पढ़ाई, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त सहयोग, अव्यक्त भाव, अव्यक्त स्थिति। फिर दो बार बाबा ने अलौकिक शब्द यूज किया है, वो आप ढूंढ लेना मुरली जब हम पढ़ेंगे तो। और मैं स्नेही सहयोगी आत्मा हूं, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। और एक तरीका हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि हर मुरली से एक वरदान हम निकालें, क्योंकि जो भी साकार मुरली में वरदान आते हैं ना वो सारे अव्यक्त मुरली से निकाले हुए वरदान हैं। तो हम खुद भी हर अव्यक्त मुरली से एक एक वरदान और एक एक स्वमान निकाले तो उस आधार से भी हमें मुरली याद रह सकती है। तो आज की मुरली से हमने वरदान निकाला है विदेही को युगल बनाकर सहयोग प्राप्त करने वाली विदेही आत्मा भव। ठीक, तो आप भी अपना वरदान निकाल सकते हैं। तो अभी हम मुरली की तरफ बढ़ते हैं। मुरली वैसे छोटी है पर बहुत, जैसे बाबा छोटी मुरली चलाते हैं तो गहराई में थोड़ा ज्यादा ले जाते हैं, ठीक, और बड़ी होती है तो विस्तार में जाते हैं। ये हाँ, आप हमेशा ध्यान रखना।
छोटी मुरली दी है तो आप बुद्धि को ट्रिगर देते हैं बाबा कि आप और गहरे जाओ और गहरे जाओ। ठीक, तो मुरली का टाइटल संपूर्ण व्हील करने से व्हील पावर की प्राप्ति। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? 18th जनवरी की मुरली है तो उस भाव से ही हम सुने। बाबा का ये संपूर्ण बनने का दिवस है, स्मृति दिवस, अव्यक्ति दिवस इसको मनाया जाता है, तो वैसा ही उसी भाव से हम सुनने का प्रयास करें। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है ना, मन समझेंगे पता चलेगा तभी तो हम ये करेंगे। परख की निशानी बाबा बता रहा है, संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं, ऑलराउंड जिसको कहते हैं, ओवरऑल कहते हैं। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? चित्र स्मृति में आया व चरित्र स्मृति में आया। चित्र माना ब्रह्मा बाबा, शरीर को बाबा चित्र कह रहे हैं, और चरित्र माना उन्होंने जो कर्म किए वो भी। ठीक, आगे बाबा कहते हैं, चित्र के साथ और कुछ याद आया क्या? किसी ने कहा शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया, क्योंकि बाबा अव्यक्त होने के बाद, ये पहली 18 जनवरी की मुरली है, अव्यक्त पहली 18 जनवरी की मुरली है, तो ड्रामा भी याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया क्या? जैसे कहा चित्र माना शरीर माना ब्रह्मा बाबा का दिन था, तो ब्रह्मा बाबा याद आया या मैं विचित्र भी याद आया माना शिव बाबा। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। आज के दिन, एक मिनट, हाँ आगे चला गया, चित्र के साथ विचित्र भी याद आया क्या? कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। माना शिव बाबा को भी याद करना है, जिनके शरीर का चित्र का आधार लिया था, तो दोनों को मिलके याद करेंगे तो बाबा कहे चरित्रवान। ये छूट स्मृति दिवस के दिन सबको है। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी, इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। माना शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किए, जैसे कहते हैं ना कि इंसान जो कर्म करता है वो कर्म, विकर्म, अकर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म कहा जाता है, लेकिन खुद भगवान जब आकर कर्म करके सिखाते हैं तो उसको लीला कहा जाता है। इसलिए कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला अपरम पार।
ठीक, तो बाबा कहते हैं विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए, आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ किया? किसी ने बोला विकर्म विनाश, क्योंकि विशेष दिवस है तो विशेष कुछ किया क्या, ये कहना है बाबा का। तो बाबा कहते हैं आगे, यह तो याद का परिणाम है, विकर्म विनाश होना ये क्या है, याद का परिणाम है। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा एक वर्ष का अपना चार्ट देखो, ये बाबा इसको विशेष कर्तव्य कह रहे हैं। इस अव्यक्त पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग के रिजल्ट चेक की, क्योंकि साल भर अव्यक्त पढ़ाई चली ना, 69 की 42 मुरलियां चली। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं, क्योंकि चेक करना, उसके बाद एक्सेप्ट करना कि अपनी गलती क्या है, और फिर उसके ऊपर काम करते टाइम अटेंशन रखना। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है, व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहां तक आगे बढ़े, यह चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? पहले बाबा ने संपूर्णता की परख बताई, अब बाबा कह रहे अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है, अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहां तक बने हो? देखो, व्यक्त में रहते अव्यक्त कितने बने और इस लोक में रहते हुए लौकिक अलौकिक कहां तक बने हो, यह चेक करना है, यह है विशेष कर्तव्य। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हरेक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वह अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, बाबा कहें निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं, कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, माना ब्रह्मा बाबा ने शरीर को छोड़ा, शरीर को त्यागा, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, तो बाबा कहते हैं ये निश्चय की परीक्षा हुई है, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है। व्यक्त में भी अब भी सहारा है, जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। दादियां है ना, दादियां थी ना तब, पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त है। और अव्यक्ति रथ भी था ना बाबा का, माना अव्यक्त पार्ट बजाने के लिए गुलजार दादी, मतलब बाबा का आना तो चालू ही था, अब तो वो भी नहीं है, आते हैं बाबा पर वैसे नहीं, रीत बदल गई। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही, अब आगे बाबा कहते देखो, अगर कोई कहता है कि हमें सहयोग नहीं मिलता, तो इस लाइन को हम एकदम दिमाग में बिठा लें, जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है, स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह, साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मन के होना, माला में अकेला मन का नहीं होता है, फिर उसको माला नहीं कहा जाता, जो अकेला है वो माला नहीं, जो मेले में है वो माला का दाना बन सकता है।
माला में एक ही याद के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं, दैवी कुल तो भविष्य में है, इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। देखो हर तरीके से महत्व है इस ब्राह्मण कुल का, क्योंकि स्वयं परमात्मा के साथ हम हैं। दूसरा, 33 करोड़ आत्माएं अब भी साथ में हैं, बाकी सतयुग में जो त्रेता की आत्माएं वो नहीं होंगी, है ना। और किसी को नहीं पता है अभी कि ये सतयुग में ही आएगा, ये त्रेता में ही आएगा, लेकिन अब सब जानते हैं कि हम एक ही परिवार के हैं। तब देवता घराना अलग है और क्षत्रिय घराना अलग है, लेकिन अब हम ब्राह्मण घराने के हैं, ईश्वरीय घराने के हैं, तो एक ही घराना हुआ, इसलिए भी महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को। क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो करना है। यहां पेपर पहले ही सुनाया जाता है, निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हरेक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है गोवर्धन का, हा? कि वो छोटी उंगली का आधार मांगा कृष्ण ने, माना भगवान ने, छोटी उंगली माना तुम अपना परिवर्तन कर लो, स्व परिवर्तन कर लो, विश्व परिवर्तन का काम तो कर ही रहा है। लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। 3 समस्याएं हैं, लेकिन उसका एक ही है, स्नेह और सहयोग एक दूसरे को देना। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक संबंध है, उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। माना ब्राह्मण परिवार जो हमारा है, अलौकिक संबंध है, उसमें से भी हमें क्या आएंगी? समस्याएं आएंगी। बाबा ने कहा छोटी मोटी दोनों भी आएंगी, लेकिन उसको कैसे पार करना है? बाबा ने बहुत सिंपल विधि बताई है, आगे सुनना। लेकिन यह समस्याएं सभी पेपर समझना, यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, यह पेपर समझना, क्योंकि एग्जाम एक दिन होती है और प्रिपरेशन किया है तो वो अच्छी ही रहेगी, है ना। रोज रोज पेपर नहीं होता है, बाबा का कहने का भाव, उसको ना प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, पेपर समझना, बस आया जाने वाला है। प्रैक्टिकल बातें माना जो डेली रूटीन होता है, हम रोज करते हैं ना, बट पेपर एक दिन, वैसा समझना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं। फिर इस पेपर के रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में व्हील पावर धारण करना है। अभी व्हील पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथा शक्ति पावर है। व्हील पावर है तो संपूर्ण कहेंगे उसको, लेकिन यथा योग्य यथा शक्ति पावर है, बाबा ने कहा। आगे बाबा कहते हैं व्हील पावर कैसे आ सकेगी? व्हील पावर आने का साधन कौन सा है? व्हील पावर की कमी क्यों है?
उसके कारण का पता है क्या? किसी ने कहा होगा याद। तो आगे बाबा कहते याद की कमी भी क्यों है? पाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है, विल पावर कैसे आई? पहला पहला कदम कौन सा उठाया? सब कुछ विल कर दिया। देखो इस मुरली में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। कौन सा कदम उठाया? सब कुछ व्हील कर दिया। व्हील करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण व्हील नहीं की है तब तक व्हील पावर आ नहीं सकती। देखो भगवान मांग भी क्या रहा है और क्या विल करने को कह रहा है, फिर भी जो बुराई है अंदर व बाहर वह संपूर्ण विल नहीं की है तब तक विल पावर आ नहीं सकती। इस बात को हम समझे कि इतना अच्छा बनना पड़ेगा हमें जो हम अपनी ही बुराई दे सके, इतना होशियार बनना पड़ेगा, इतना समझदार बनना पड़ेगा जो अंदर की और बाहर की बुराई हम उसको विल करें। साकार ने कुछ सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा, यह कब सोचा? अगर कोई सोच सोच कर व्हील करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर वन की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्ति नहीं होती। इस बात पर सोचना, अगर हमें किसी शक्ति की हमें कमी लग रही है तो हमने क्या किया है, सोच सोच कर उसको दिया है, तो हम नंबर वन शक्ति हमें नहीं मिल पा रही है। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। बहुत सूक्ष्म बात है ये। अगर हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ नहीं पा रहे, सेवाओं में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारी उन्नति नहीं हो रही है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। फिर समझा तो कौन सी ऐसी रस्सियां हैं जो मैंने ही खुद बांध के रखी हुई। जैसे होता है ना, वो नाव बांध दो वहीं पर और वो रात भर वो चक्कू चलाते हैं और देखते हैं कि भाई वहीं के वहीं है। क्यों? रस्सी बांधी हुई है ना। तो हमारी एक रस्सी है या अनेक रस्सियां हैं जो मन को खींचती रहती है वो, क्योंकि मन सूक्ष्म है ना, तो मन को खींचने के लिए भी बहुत सूक्ष्म रस्सियां भी काफी होती है। क्योंकि सूक्ष्म को सूक्ष्म बांधता है और अनंत में जाने के लिए हमें अनंत होना पड़ता है, बेहद की बातें समझने के लिए हमें बेहद में आना पड़ता है। वैसे ही मन कैसा है? सूक्ष्म है, तो उसको खींचने वाली रस्सियां उससे ज्यादा सूक्ष्म है। आगे बाबा कहते इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई है तो फिर कोई रोक सकता है क्या? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। आगे बाबा कहते हैं आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, वह सभी याद रखना है। देखो ड्रामा अनुसार साल के शुरुआत में ही, और 14 जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है ना, मकर संक्रांति होती है और बाबा ने उस समय शरीर छोड़ा है। साल की शुरुआत भी है, बाबा का समर्थि दिवस भी है, स्मृति दिवस भी है, अव्यक्त दिवस भी है। नया साल, नई बातें, नया पुरुषार्थ, नया जीवन, नया चार्ट, सब कुछ ड्रामा ऐसा एक्यूरेट बना हुआ है। ठीक, अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है वह सभी याद रखना है। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा, क्योंकि सबका
एम ही क्या है? अशरीरी बनना, अविदेही बनना, अव्यक्त बनना, संपूर्ण बनना, फरिश्ता बनना। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। देखो, कमल फूल समान रहेंगे ना, उसको विदेही को युगल बना के गृहस्थ में, तो कमाल हो जाएगा। कमल और कमाल याद रखना। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। मुश्किलातों को मुश्किल ना समझकर चलना, यह है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले कहां फंसते नहीं, फास्ट जाने वाला कहां फंसेगा नहीं, फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। इसमें दो अर्थ निकलते हैं, हमारी लास्ट स्थिति और लास्ट माना जो हमने पहले धारण की थी देवता स्वरूप वो, और हम आए भी लास्ट में हैं। तो ये सारे याद रखना शब्द, लास्ट में ना माना, कहते हैं ना लास्ट में अपने क्या बोला था, तो बाबा कहते तुम लास्ट में क्या थे? देवता थे। और अपनी लास्ट स्थिति कैसी थी जब हम ब्राह्मण बने, है ना, और हम आए लास्ट में है। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। अब भी फास्ट जाने का चांस है। देखो, हम ये मुरली सुन रहे हैं, माना है अभी भी चांस। ये मत सोचना कि लास्ट में आए और फास्ट नहीं जा सकते। बाबा भगवान वाच है, अब भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक हाई जंप लगाना है। लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। अच्छा, शांति। तो संपूर्ण व्हील करने का ज्ञान देने वाले बाबा को हम सब की तरफ से याद प्यार और नमस्ते, ओम शांति। अभी हम एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर डिस्कस करेंगे।
ओम शांति। अभी हम शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या कहा। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख किन बातों से होगी? विल पावर को कैसे धारण कर सकते हैं? शेयर कीजिए। ओम शांति। बोलिए। बाबा बोले चित्र के साथ भी विचित्र को भी याद करना है, फिर भी बाबा बोले कितना समय चित्र को याद करते हैं और कितना समय विचित्र को याद करते हैं, दोनों का याद कितना रहता है उसको? अगर जो चित्र के जो विचित्र का साथ चित्र को भी याद करते हैं वो खुद चित्रवान भी बन जाते हैं। इसीलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र को भी याद आए। आज दिन और विशेष क्या कार्य किया? इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, चित्र चरित्र और विचित्र। ओम शांति। शांति। चित्र यानी शरीर को कहते हैं बाबा, और उसका जो व्यवहार है उसको चरित्र कहते हैं। ओम शांति। हाँ बाबा बोले चित्र भी जो बोलते हैं ना बाबा, बाबा इस यहाँ पर विशेष ब्रह्मा बाबा को ही बोले हैं। अब ब्रह्मा बाबा के साथ साथ शिव बाबा को भी याद करना है। दीपा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। विचित्र शिव बाबा है, चित्र ब्रह्मा बाबा है, और चरित्र ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जो कर्म करके हमें सिखलाया वो है। तो बाबा बोलते हैं विचित्र के साथ मतलब शिव बाबा के साथ साथ चित्र ब्रह्मा बाबा को और उनके कर्म चरित्र को याद करें तो हम चरित्रवान बनेंगे। ओम शांति। इसको हम ना ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो मैं ब्रह्मा बाबा को याद करूं कि देखो ब्रह्मा बाबा ने कितना बड़ा त्याग किया, ब्रह्मा बाबा ने कितनी कितनी बातों को सहन किया, फिर भी अपनी स्थिति उन्होंने बनाई और अपनी स्थिति से अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति की या फिर संपूर्णता की प्राप्ति बाबा ने की। तो मैंने पूरे इस प्रोसीजर में किसको याद किया? सिर्फ चित्र को चरित्र को याद किया। लेकिन बाबा को ऐसी शक्ति देने वाला कौन? शिव बाबा। बाबा को ऐसा बनाने वाला, इतनी विशेषताएं भरने वाला कौन? शिव बाबा। तो जिसने ये सब किया, हाँ आखिर में करण करावनहार वो है ना, ब्रह्मा बाबा तो सिर्फ निमित्त मात्र, लेकिन करवाया किन्होंने? शिव बाबा ने। तो जिसने इतनी विशेषता भरी, जिसने इतना ज्ञान दिया, जिसने उनकी स्थिति को इतना ऊंच उठाया, उसी को भूल जाएंगे तो फिर यानी कि देहधारी की ही याद रह गई ना, और देहधारी की याद तो रखनी नहीं है हमें। तो इसीलिए हम किसी के भी गुणों को देखें, किसी के भी चरित्र की महिमा का गान करें, लेकिन वो चरित्र बनाने वाला कौन उसको नहीं भूलना है। इसीलिए बाबा ने कहा विचित्र चित्र चरित्र। और बहुत सारे पॉइंट आज की मुरली में। ओम शांति। बाबा ने आज बोले अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो अपना चलन में भी अलौकिक आएंगे, अलौकिक होंगे। तो अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए बाबा बताए ताकि हम हमारा चलन में अलौकिकता आए, क्योंकि अव्यक्त की निशानी क्या है? व्यक्त भाव से परे। हाँ तो दिखने में भी हम कैसे नजर आएंगे? लौकिकपना तो दिखाई देगा ही नहीं।
क्योंकि व्यक्त भाव में नहीं है ना। लौकिक पना कब होता है? जब व्यक्त भाव में होते हैं, और जब अव्यक्त भाव में होंगे तो क्या होगा? वैसी ही दृष्टि, वैसी ही चलन अलौकिक दिखाई देगी हमारी। तो बाबा कह रहे हैं चेकिंग करो कि व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक पड़े हो। हाँ, इसकी परख होनी चाहिए। आज मेरी स्थिति व्यक्त है, हाँ मैंने अव्यक्त तक कहाँ तक अपना नंबर आगे बढ़ाया है। हाँ जी सिंपी सिस्टर बोलिए। शांति दीदी, आज बाबा ने जो है कहा कि अक्सर हमारी कंप्लेंट होती है कि हमें उतना सहयोग नहीं मिल पाता बाबा से, याद तो करते हैं लेकिन परिस्थितियों में। बाबा ने उसके लिए कहा कि स्नेह कम होने के कारण सहयोग भी कम मिलता है, क्योंकि सरकार से स्नेह में सिजरे के साथ स्नेह सरकार के यहाँ नहीं है। तो हमें परिवार में भी देखना चाहिए क्या परिवार ब्राह्मण परिवार से भी हमारा स्नेह उतना है, और इस स्नेह को सहयोग, इन दोनों शब्दों को बाबा ने फिर आगे प्रोसीड करते हुए ये कहा कि 69 जो कम्प्लीट हुआ वहाँ हम लोगों का पेपर, जो उस बच्चे के पेपर आया निश्चय का कि बाबा अचानक ही व्यक्त हो गए, कुछ लोगों को नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, निश्चय का पेपर था। तो बाबा ने कहा वो तो नहीं कर लिया, 70 स्टार्ट हुई है तो बाबा पहले से पेपर बता रहे हैं कि अब जो पेपर होगा मन की तन की वायुमंडल और अलौकिक संबंध सभी से ही परीक्षाएं आएंगी और उनको पास करेंगे स्नेह और सहयोग के द्वारा। जी जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने लास्ट सो फास्ट इसका जिक्र किया है, यानी जो लास्ट आए हैं उनको यह नहीं समझना चाहिए कि अपन लास्ट ही रहेंगे, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वो फास्ट आगे निकल जाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ करने पे जोर देना, ऐसा बाबा का कहना है। सिर्फ एक जंप लगाना है ना। ओम शांति। हाँ। वो जंप है विल पावर का। एक मुरली में बाबा ने कहा जब विल पावर है तो क्या नहीं कर सकते। विल पावर क्या होती है? इच्छा शक्ति। हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही है, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो विल पावर कैसे आएगी, क्या बताया बाबा ने? सब कुछ विल करना पड़ेगा, अपनी कमी कमजोरियां अपने विकार सब सब, जहाँ बुद्धि फंसती है मन फंसता है, सब कुछ विल करना पड़ेगा, झाटकू बनना पड़ेगा। विल भी एक धक से करना, ऐसा नहीं आज बाबा चलो मैं क्रोध का त्याग कर देता हूँ, हाँ आज मैं फलाने संस्कार का त्याग कर देता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। एकदम से सब कुछ समर्पण, सब कुछ तेरा। हाँ, तब बाबा स्पेशल शक्ति हमें देता है, और वह शक्ति कौन सी होती है? विल पावर। आज दीदी ने वरदान निकालने के लिए कहा था तो दो वरदान निकाल लिए। मुश्किल बात को सहज पार करने वाले सफलता मूर्त भव, और चित्र और विचित्र को याद करने वाले चरित्रवान भव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, मुश्किल को सहज पार करने वाले सफलता मूर्त भव, चित्र और विचित्र को याद करकर चित्र और विचित्र को याद करने वाले चरित्रवान भव। बहुत अच्छा, ध्यान से मुरली सुनी है आपने। भाई जी क्या करना है? जी तो जो भी पॉइंट सभी ने शेयर किया है, मैं थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो पॉइंट आपने शेयर किया है तो उसको थोड़ा और डीप में जाने का, क्योंकि तो भले ब्रेकआउट रूम भी हो लेकिन हम थोड़ा ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। लेकिन आपने खुद क्या करना, बाबा के सामने जाकर या तो स्वयं स्वयं से बातें कर
अभी या तो कल अमृत वेला के बाद कभी भी आपको टाइम मिले ना, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा, क्योंकि कितनी धारणा युक्त मुटली थी आज की, मैंने हर रोज होती है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा और डिटेल में स्टडी होमवर्क के टाइप में करना है। वंदना दीदी आप होमवर्क भी देना साथ साथ योग भी करवाना, और खास बाबा को ये भी बोलना कि आज वो पॉइंट धारण करने के लिए बाबा से शक्ति भी लेना, ठीक है? ओके। और योग होने के बाद हम तुरंत मीटिंग को एंड भी करेंगे ना भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। तो आज का होमवर्क है, देखो बुराई देनी है बाबा को, कल बाबा ने कहा है अंदर और बाहर की बुराई देनी है, और ये देने के लिए भी, जैसे कुछ देने के लिए और लेने के लिए पावर चाहिए, ठीक है? और बुराई देंगे तो हमारी विल पावर बाबा हमें देगा। तो कल हम अपने अंदर की जितनी भी हमें समझ में आती है और बाहर की दोनों बुराइयां को बाबा को सच्चे दिल से देना है, ये कल का होमवर्क रहेगा, ठीक है? और अमृत वेले खास विशेष करके बाबा को देना है, क्योंकि अमृत वेला बाबा हमसे मिलता है, कुछ देने के लिए मिलता है, और व्हील पावर हम कल बाबा से लेंगे। विशेष एक धारणा को आप मन में रखें आज की मुरली से खास करके, कि निश्चय, स्नेह, सहयोग, शक्ति या विदेही को युगल बनाना हो या कर्म बंधन की कोई सूक्ष्म रस्सी काटनी हो, आज की मुरली से ही लेंगे हम जो भी पावर आपको चाहिए। इसके लिए भी आपको भी चाहिए, चाहे विचित्र को याद करना हो, चित्र को, चरित्र को, अव्यक्त पढ़ाई पढ़ने के लिए, एनीथिंग आपको ले। चलो अभी हम योग की तरफ जाते हैं। मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ पहले? आप पर्सनल पूछ लेना नीता बहन, हम योग करेंगे अभी, टाइम भी हो जाता है। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके। ओम शांति। आज मैं विदेही उस परमात्मा विदेही को अपना युगल मानती हूँ, देखती हूँ, अपने आप को मैं उसके साथ युगल रूप में देख रही हूँ, और मेरा यही रूप स्वरूप मुझे उसके जैसा बनने में सहयोग और सफलता दिलाने वाला है। और मैं ये महसूस कर रही हूं कि उसकी सारी शक्तियां उसने मुझे वील कर दी है, उसने अपना सारा पावर मुझे वील कर दिया है, और इसी विल पावर के आधार से मैं विदेही आत्मा
अपने इस ब्राह्मण जीवन में हर एक ब्राह्मण आत्मा से सच्चे स्नेह के साथ अव्यक्त भाव से संबंध संपर्क में आऊंगी। ओम शांति।